नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नीलेश और एग्जाम गुरु जी के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। ये करंट अफेयर्स आपके सुबह के 7 बजे अपडेट हो जाते हैं। साथ में यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, कई लोगों की क्वेरीज आई थी कि इसकी पीडीएफ कहाँ पर उपलब्ध रहेगी, तो जो इसकी पीडीएफ रहती है डेली सुबह के आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहती है। साथ में वीडियो की लिंक भी उपलब्ध रहती है। इस करंट अफेयर्स के आपके जो वीडियोज होते हैं एग्जाम गुरु जी का जो ऐप है वहां पर भी लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। साथ में इसका कंटेंट भी आपको वहां पर उपलब्ध रहता है। जल्दी हम इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो एग्जाम गुरु जी के ऐप में भी उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। तो हाल फिलहाल वीडियो लेक्चर्स और जो इसके कंटेंट है वो आपको ऐप में भी उपलब्ध है। साथ में यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरु जी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप बीपीएससी 3 की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट 2022 का है तो ये समय मुख्य परीक्षा की तैयारी करने का है। लेकिन साथ में यदि कोई प्री की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, तो एग्जाम गुरु जी पर नोट्स उसके उपलब्ध हैं। 1299 के नोट्स के साथ आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिल रही है जिसकी कॉस्ट 900 रुपये है। इसमें आप छोटे छोटे फॉर्मेट में प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी साथ में हो जाएगी। साथ में यदि आप मेंस के नोट्स लेते हैं तो इसके साथ आपको एमपीपीएससी मेंस की 2021 की टेस्ट सीरीज मिल रही है जो कि 1295 की है और इसमें आपकी कॉपियां चेक की जाती हैं। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप सभी को एक और जानकारी दे देते हैं कि यदि आप की तैयारी अच्छी हो चुकी है और आप एक बार सभी लोगों के साथ बैठ करके खुद को कम्पिटिट करना चाहते हैं तो एकलव्य का स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। ये जो टेस्ट होगा ये 8 जनवरी 2023 को होगा। इसमें जो फर्स्ट फाइव टॉप फाइव रैंकर्स होंगे उनको मिलेगा एमपीपीएससी प्री प्लस मेन्स का वीडियो कोर्स जिसकी वर्थ 14,999 रुपये है। साथ में प्री का कोर्स मिलेगा जिनकी रैंक 6 to 10 है। जिनकी रैंक 11 to 50 होगी उनको प्री के टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि जल्द ही लॉन्च की जाने वाली है, एमपीपीएससी प्री टेस्ट 2022। टॉप 50 रैंकर्स को ये मिलेगा, लेकिन जो टॉप 100 रैंकर्स होंगे उनको फ्लैट 60% का ऑफ मिलेगा। एमपीपीएससी हो या व्यापम हो, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करते हैं तो उसके साथ फ्लैट 60% का ऑफ मिलेगा। अब बाकी की बात करें इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आपको मध्य प्रदेश पूछा जाएगा, साथ में 2022 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। सभी के सभी प्रश्न जो रहेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे, लेकिन विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टेस्ट जो होंगे माइनस मार्किंग के साथ होंगे। समयावधि इसकी घटाई जाएगी, 100 रुपीज का इसका रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या एग्जाम गुरु जी के ऐप से आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हमारे साथ जो भी स्टूडेंट्स इसमें जुड़े, जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें एकलव्य टेस्ट सीरीज पे, सभी को 100 रुपीज का कैशबैक, वॉलेट कैशबैक उपलब्ध कराया जाए। यानी आप कोई भी पार्टिसिपेट करेगा तो हर व्यक्ति को खाते में 100 रुपये तो रहेंगे। यानी आप 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 100 रुपये आपके वॉलेट में रहेंगे जिसका यूज आप एग्जाम गुरु जी की कोई भी कोर्सेज को परचेज करने में कर सकते हैं। करंट अफेयर की शुरुआत हम पिछले दिनों क्या पढ़े उसके रिविजन के साथ, सागर गौरव दिवस कब मनाया गया था, यहाँ पर सागर के जिले की बात हो रही है, तो ये मनाया गया था 26 नवंबर को। इस दिन जो हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर है जिनके नाम से यूनिवर्सिटी है सागर में, उनकी जयंती रहती है। निम्न में से कौन सा एक स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम है, तो वो है उमंग। नाम से समझ में आ जाना चाहिए आपको कि उमंग बच्चों के अंदर होता है, तो ये किसके लिए होगा, स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एक हेल्थ इश्यूज जो होते हैं हमारे छोटे छोटे, यदि हम उनकी डेली केयर करें, हैंड वॉश हो गया, ठीक है, बाद धूल मिट्टी ये सब चीजें हो गई, छोटे छोटे जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम एक तरह का कि जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो हमारे यदि छोटे मोटे बचाव की वजह से रुक सकती हैं तो उन्हें हम रोके, नेल्स कट वगैरह डेली करें, ये सब चीजें उसमें जागरूकता में दी जाती है। साथ में कुछ स्कूल के जो प्रोग्राम चलते हैं उसके बारे में बताया जाता है, डिटेल मैंने वहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स में बताई थी। राज्यों के मुख्य सचिवों की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी अध्यक्षता में की जाती है, तो देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की जाती है। सेकंड कॉन्फ्रेंस इसकी होने वाली है। मध्य प्रदेश स्टेट प्रमोशन काउंसिल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। निम्न में से कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा, तो उदयपुर करेगा। यानी पहले शेरपाओं की बैठक जो होगी वो उदयपुर में होगी। आगे की तरफ बात करें, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने एक सर्वेक्षण किया है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में सबसे ऊपर कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री हैं विक्रम गोखले, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। भूल भुलैया 2 में आपने उन्हें देखा था, अभिनेता है। निम्न में से कौन एक फुटबॉल खिलाड़ी है जिसने
पांच अलग अलग विश्व कप में गोल किए हैं, यानी सभी विश्व कप में उन्होंने गोल किए हुए हैं लगातार पांच विश्व कपों में, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। टाइम्स हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो टॉप 50 में है, वो IIT दिल्ली। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। संगाई उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड या मणिपुर? तो इसका राइट आंसर होगा कि ये मणिपुर में मनाया जाता है। आगे की तरफ देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी क्या है कि जो मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया गया है तो वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में गए हुए थे, और ये अभी क्या है कि जो मध्य प्रदेश और मणिपुर है ये दोनों एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक दूसरे के भागीदार राज्य है, ठीक है। तो मणिपुर में मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और मध्य प्रदेश में मणिपुर के प्रोग्राम आयोजित किए। प्रोग्राम क्या होते हैं कि जो यूथ फेस्टिवल्स होते हैं हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेज के, उसमें जैसे मणिपुर के जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं वो आकर के मध्य प्रदेश के यूथ फेस्टिवल्स में अपने यहाँ की जो कला संस्कृति कल्चर है इन सब चीजों पर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान भी होता है, साथ में हमारे अंदर एक जागरूकता फैलती है। कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको लेकर के हम अवेयर नहीं होते तो उसके बारे में जानते नहीं है, तो कई बार हम उससे क्या होता है भागते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब दूसरे देश दूसरे राज्य की संस्कृति को हम बारी बोलते हैं नजदीक से देखते हैं, उनके साथ हम जुड़ते हैं, तो हमारा एक क्या होता है लगाव पैदा होता है, क्योंकि भारत क्या है विविधताओं का एक बोले देश है। बहुत सारे हर राज्य की अपनी एक विविधता है, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ही इतनी विविधताएं हैं कि उनका भी एक तरह से आप एक आयोजन किए जा सकते हैं, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। तो अलग अलग राज्यों के एक दूसरे के स्कूल के बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार जो था मध्य प्रदेश और मणिपुर का था, तो जो संगाई महोत्सव है वहां पे मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गए हुए थे, और वहां पर मणिपुर के जो नृत्य है जनजाति का नौरता है, नृत्य है थाई मंडली है, ये सब चीजें वहां पर पार्टिसिपेट करी गई। अब मणिपुर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भोपाल का जो लोकरंग महोत्सव है उसमें भाग लिया था, इम्फाल के संगाई महोत्सव में भोपाल के जो हैं ये इम्फाल के संगाई महोत्सव में भाग ले रहे हैं। तो संगाई एक तरह से बात करें तो जो मणिपुर है वहां पर एक एकता का त्योहार होता है, और जो संगाई है वहां का राजकीय पशु भी है, तो ये मणिपुर में ही केवल पाया जाता है। इसके अलावा संगाई के अलावा मणिपुर में आपका लाई हरोबा हो गया, कांग महोत्सव हो गया, संगाई महोत्सव हो गया, कुट महोत्सव हो गया, चीरावा महोत्सव है, ये सब मणिपुर के महोत्सव है। और ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम होता है इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2015 से हुई थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, इसकी जो एक बोलते एक नींव रखी थी भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी 31 अक्टूबर 2015 में उनकी 140वीं जयंती में, कि सभी लोग एक दूसरे की जो संस्कृति है उनको एक दूसरे को समझे ताकि हमारे अंदर एक तरह से एकता का भाव पैदा हो, हम एक दूसरे को जाने, हमारे अंदर प्रेम पैदा हो अन्य राज्यों के साथ में। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश को 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा कि मध्य प्रदेश को कांस्य पदक दिया गया है। जो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है ये चल रहा था नई दिल्ली में, और मध्य प्रदेश का इसमें एक अलग से स्टॉल लगाया गया था, उसमें बहुत सारे हमारे यहाँ की जो एक्टिविटीज है वो वहाँ पर की जा रही थी, अलग से मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी वहाँ पर आयोजित किया गया था। और यहाँ पर विशेषकर जो रहा कि छतरपुर की जो माटी शिल्प कला है और भोपाल की जो जरी जरदोजी शिल्प कला है ये वहां पर विशेष रूप से प्रदर्शित की गई थी, जिसको लेकर के हमारे मध्य प्रदेश को एक कांस्य पदक का अवार्ड दिया गया है। इसमें ज्यादा जानने के लिए कुछ है नहीं, इसमें जो डायरेक्टर है CBM तिवारी इनको पुरस्कृत किया गया है, लेकिन इस स्टॉल में मध्य प्रदेश का एक अलग से उत्सव भी मनाया गया था। नागरिक सेवाओं को मान्यता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष किस तारीख को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है? यानी लोक सेवा दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? 25 अगस्त को, 25 दिसंबर को, 25 नवंबर को या 25 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर होगा 25 सितंबर को हमारे यहाँ लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। देखिए मध्य प्रदेश जो है ऐसा पहला राज्य था जिसने इस अधिनियम को, मध्य प्रदेश लोक सेवा अधिनियम जो 2010 है इसको पारित किया था और जो लागू किया था 18 अगस्त 2010 को ये पारित हुआ, 25 सितंबर 2010 को ये लागू किया गया था, जो गजट में हमारे जारी किया गया था 25 सितंबर 2010 को लागू करने की इसकी तिथि निर्धारित की गई है वहां पर। देखिए इसके इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है कि एक तरह से ये अधिकार होता है सरकार दो लोगों के बीच, सरकार और आम जनता के बीच में एक तरह से ट्रांसपेरेंसी भी आती है, एक नियत समय में कार्य करने की अवधि निर्धारित की जाती है। इसमें जुर्माने भी हैं, 250 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक का इसमें जुर्माना लगाया जाता है यदि आप उस कार्य को नहीं करते हैं।
तो एक जवाबदेही तय करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था। लेकिन राजस्थान पहला राज्य है जिसने इस अधिनियम में, उस वहां पे भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू है, लेकिन वहां पर दंड का प्रावधान किया गया। तो दंड का प्रावधान करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। इस अधिनियम को, लोक सेवा गारंटी अधिनियम को, कई अवार्ड भी दिए गए हैं। लोक सेवा प्रबंधन विभाग को वर्ष 2012 में यूएन अवार्ड दिया गया था, 2013 में स्कॉच अवार्ड मिला था, 2014 में स्टेट आईटी गवर्नेंस अवार्ड दिया गया था, वर्ष 2018 में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना क्रियान्वयन के लिए जेम्स ऑफ डिजिटल का अवार्ड मिल चुका है। अब ये सारी की सारी चीजें लागू करने के लिए, इस अधिनियम को लागू करने के लिए सबसे पहले तो मध्य प्रदेश शासन ने क्या किया, एक लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन किया। ठीक है, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है राज्य लोक सेवा अभिकरण। राज्य लोक सेवा अभिकरण में ही ये क्या है, ये इसमें आपको ये गारंटी मिलती है। तो उसमें अलग अलग विभाग है, लगभग 55 के आसपास हमें है जो इसमें जमे लोक सेवा गारंटी मिलती है। अब क्या हुआ, ये खबरों में इसलिए है कि जो हमारे यहाँ का राजस्व विभाग है, इसने भूमि को नोड्यूस प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है उसको भी लोक सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल किया है। यानी अब जो तहसीलदार ये नोड्यूस जारी करते हैं उनको एक निर्धारित समय अवधि में ये नोड्यूस उनको जारी करना पड़ेगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और वर्तमान में यदि बात करें राजस्व मंत्री कौन है, तो श्री गोविंद सिंह राजपूत है। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की, अखिल भारतीय कृति पुरस्कारों में प्रत्येक श्रेणी में कितने रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख या 2 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अभी क्या है, 2018 से लेकर के 2021 तक के कृति पुरस्कार दिए जाते हैं, हमें विशेष ध्यान 2021 में रखना है। लेकिन इन पुरस्कारों की जो एक लिस्ट है बहुत लंबी होती है, तो याद करके रख पाना इतना आसान नहीं होता। आपको इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहती है, तो वहां से आप बाकी की चीजें अपडेट कर लेंगे, लिस्ट हमने दी है। लेकिन ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो हमारे यहाँ के जो संस्कृति विभाग है मध्य प्रदेश का, उसके द्वारा, जो साहित्य अकेडमी है उसके द्वारा दिए जाते हैं। साहित्य अकेडमी मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग परिषद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ये कितने कितने क्रम होते हैं, इसमें 13 भारतीयों को जो अखिल भारतीय पुरस्कार दिए जाते हैं वो 13 लोगों को दिए जाते हैं, 15 लोगों को प्रादेशिक कृति पुरस्कार दिए जाते हैं। तो प्रश्न बनने की संभावना हमारी एक यहाँ से हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है कि किस रचनाकार यानी अखिल भारतीय रचनाकार को कितने राशि की दी जाती है, तो 1 लाख रुपए की है। जो प्रादेशिक स्तर पर दिए जाते हैं, राज्य स्तर पर, वो 51,000 रुपए दिए जाते हैं। साहित्य अकेडमी की स्थापना 1954 में हुई थी, तो उस समय इसका जो मुख्यालय था वो नागपुर था। बाद में मध्य प्रदेश की जब स्थापना हुई तो इसके बाद इसका जो मुख्यालय हुआ वो क्या बना, भोपाल बना। यहाँ पर जो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये कि ये जो अलग अलग विधा के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए, कोई उपन्यासकार है, कोई आलोचनाकार है, कोई नाटक लिखते हैं, कुछ कवि हैं, कुछ गजलकार हैं, इन सभी को अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन ये सभी पुरस्कार किसी न किसी बड़े व्यक्तित्व के नाम से रखे गए हैं, और वो व्यक्ति तो उस विधा में, या आप कहें जैसे उपन्यासकार है, यदि बात करें जब वृंदालाल वर्मा जी हैं, तो इनके बहुत सारे उपन्यास फेमस हैं, पर आपने पढ़े भी होंगे कुछ लोगों ने, तो इनके नाम से उपन्यास का पुरस्कार दिया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के नाम से कहानी का दिया जाता है। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है कि जो प्रादेशिक पुरस्कार मिलते हैं वो इनके नाम से मिलते हैं, अखिल भारतीय पुरस्कार इनके नाम से मिलते हैं, जैसे पंडित जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं ये कवि थे तो इनके नाम से कविता का पुरस्कार दिया जाता है, विष्णु प्रभाकर नाम से आत्मकथा जीवनी दी जाती है। फेसबुक और ब्लॉग ये यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, फेसबुक और ब्लॉग नेट के लिए दिया जाता है नारद मुनि पुरस्कार। तो इनको हम एक बार पढ़ लेंगे तो हमारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारे जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आपको जानकारी है, तो याद करना उतना कठिन नहीं है, जो भूलता है केवल आपको उन्हें थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। तो ये एक लिस्ट है, आप पीडीएफ जो डाउनलोड रहती कर करके वहाँ पे इसको आप एक बार अपडेट कर लेंगे। ये 2018 के, 19 के रहे हैं, 20 और 21 के जल्दी पुरस्कृत किए जाएंगे, पर कुछ बड़ी हस्तियों को मिलता है तो उन्हें याद करके रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 में, मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई अभयारण्य कहाँ बनेगा, इंदौर में, उज्जैन में, महेश्वर में या खंडवा में। तो इसका राइट आंसर होगा कि मध्य प्रदेश में जो देवी अहिल्याबाई अभयारण्य बनेगा ये इंदौर में बनेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो चोरल और बढ़वा का क्षेत्र है, ठीक है, ये जंगली क्षेत्र है, यहाँ पे जंगल है, तो वहां पर ये एक सरकार ने नोटिफाई किया उस एरिया को देवी अहिल्याबाई अभयारण्य के रूप में। अब वहां पर क्या गतिविधियां चालू हो गई हैं, वन विभाग ने भी अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, अब कि वहां पर किस प्रकार से कैसे क्या करना है। ये 6,000 स्क्वायर फीट के आसपास होगा और ये इंदौर खरगोन रोड पे आएगा, उसके बीच में होगा, और वहां पर अलग अलग जीव रखे जाएंगे। अब आगे की जैसी अपडेट्स आती जाएंगी वो आपको हम
जानकारी देते रहेंगे, लेकिन ये इंदौर रीजन में आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। नसीम अल बहर, हम यहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में प्रवेश करते हैं। नसीम अल बहर जो नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास है, ये किन दो देशों के मध्य किया जाता है? भारतीय और ओमान, भारत और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस, भारत अमेरिका और भारत। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय, भारत और ओमान के बीच ये किया जाता है, यानी भारतीय नौसेना और ओमान के बीच में ये युद्धाभ्यास होता है, ये नौसेना का युद्धाभ्यास है दो देशों के बीच। देखिए अब ये इनसे नौसेना अभ्यास हो या रक्षा का हो, ये जो अभ्यास होते हैं ये दो देशों के बीच में विश्वसनीयता को प्रदर्शित करते हैं। व्यापारिक संबंध अपनी जगह होते हैं, लगभग हमारे सभी देशों के साथ होते हैं, लेकिन जब हमारे रक्षा संबंध जो होते हैं, हमारे जब रक्षा को लेकर के जब ऐसे सैनिक अभ्यास किए जाते हैं, तो हमारी घनिष्ठता को या हमारे एक दूसरे के विश्वास को आगे बढ़ाते हैं, इसी वजह से ये अभ्यास किए जाते हैं। इन्हीं में से इसकी जो शुरुआत हुई थी 1939 में हुई थी, अभी इसने 30 वर्ष पूरा किया है, तो इसका यह अभ्यास किया जा रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की, किस देश के किस राज्य में देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण व परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? तो इसका राइट आंसर होगा कि इसके जो ये तेलंगाना में होगा, यहाँ पर आंसर गलत लग गया है, ये तेलंगाना में किया जाएगा। यहाँ पे डिटेल में हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर हैं टी रामा राव, इन्होंने घोषणा करी है कि देश का जो पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन निर्माण परीक्षण केंद्र होगा, ये स्थापित करेगा किसके? स्काई रूट अभी खबरों में था, आपने पढ़ा होगा, पहला रॉकेट प्राइवेट सेक्टर है जिसने रॉकेट छोड़ा है इसरो के साथ मिलकर के, विक्रम एस, वहां की जो कलाम 80 है उसके इंजन का नाम था, ये हमने आपको करंट अफेयर की डिटेल्स में बताया था। अब ये हैदराबाद में, इसको एक बोलते हैं कि स्टार्टअप इनका शुरू हुआ था 2018 में, तो अब इनको जो तेलंगाना सरकार है उन्होंने वहां पर उसको अपना स्थापित करने के लिए स्पेस प्रोवाइड किया है, आगे की धीरे धीरे उनकी बातें चल रही हैं। अब ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जल्द ही हम स्पेस के क्षेत्र में भी एक यूनिकॉर्न हमें मिलने वाला है, क्योंकि अभी इसकी जो राशि है इन्होंने जो जुटाई है स्टार्टअप के लिए वो 68 मिलियन की जुटाई है, और जल्दी इनका आगे बढ़कर के 100 मिलियन हो जाएगा, इसके बाद ये यूनिकॉर्न की क्लब में सम्मिलित होने की स्थिति में रहेंगे। अब ओएमयू वगैरह साइन हो गया है, प्राइवेट सेक्टर का स्पाइस एरोस्पेस जल्दी तेलंगाना में स्थापित हो जाएगा। बात करेंगे तेलंगाना की, तो वहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है, राजधानी वहां की हैदराबाद है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की, निम्न में से किन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने निक्षय मित्र ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु, मिताली राज या दीपक मलिक? तो इसका राइट आंसर होगा दीपा मलिक, जिन्हें निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये एक्चुअली क्या है, ये जो दीपा मलिक है ये पैरा ओलंपिक जो समिति है हमारे यहाँ की, उसकी अध्यक्ष भी है। आपको याद रखना कि यदि कभी पूछ लिया जाए भारत की पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है, तो दीपा मलिक है। इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है, इसके साथ इन्हें अन्य सम्मान भी दिए गए हैं, पद्मश्री युवक अर्जुन पुरस्कार है, ये पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। अब इन्हें जो टीवी के क्षेत्र में अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है सरकार का निक्षय मित्र, उसके लिए इन्हें राजदूत नियुक्त किया गया है। और भारत सरकार के यदि आपसे पूछा जाए लक्ष्य कब तक का है, तो 2025 तक भारत का टीवी मुक्त राज्य, भारत देश होने का एक लक्ष्य बनाया गया है। आप सभी को पता है कि हमारे देश में क्या, टीवी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है, मेडिसिन के थ्रू भी है, लगभग सभी शासकीय जो अस्पताल होते हैं हमारे यहाँ इसका इलाज मुफ्त चलता है, मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। यदि प्राथमिक अवस्था में इसमें बहुत जल्दी इसका इलाज कर दिया जाए तो ये जल्दी इसमें आराम मिल जाता है। हमारे यहाँ लगभग 26 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित है, वहीं प्रतिवर्ष हमें 4 लाख लोगों की इसके कारण क्या होती है, मृत्यु होती है। तो इसी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए इनको क्या किया गया है, जो निक्षय मित्र है उसका भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। निम्न में से किस विभाग ने ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता है? शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा या पंचायती राज मंत्रालय द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ई गवर्नेंस के पुरस्कार भी दिए गए हैं, और इसका जो आयोजन किया गया था वो जम्मू कश्मीर के कटरा में किया गया था, और जो वहाँ हमारे यहाँ के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, इन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पंचायती राज विभाग मंत्रालय है उसका ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट यानी ई ग्राम स्वराज अभियान है, इसको ये पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र में नवाचार कार्य किया और अच्छा कार्य किया। तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी लाने में, जल्दी लोगों के काम करने में, लोगों की भागदौड़ को कम करने में, सरकार और एक आम जनता के बीच में एक अच्छा बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ला करके पारदर्शिता के साथ कार्य करने के क्षेत्र में ई गवर्नेंस का पुरस्कार दिया जाता है, लोग
लोगों को जो शासन के साथ एक सुविधाएं है वो बहुत सहज और सरल माध्यम से हो, लोगों का जो कार्यालय में आवागमन का बाकी की चीजों में समय व्यतीत होता है उसको कम किया जाए, इन्हीं चीज के लिए कार्य किया है जिसको ई गवर्नेंस का पुरस्कार दिया गया है। और ये जो होता है शासन में पारदर्शी और कुशल बनाता है। ई गवर्नेंस का हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया हो, आधार कार्ड हो, हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय पोर्टल है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 की। भारत स्पेन में जो विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही थी उसमें किस स्थान पर रहा है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो इसका राइट आंसर होगा कि जो भारत है इसमें द्वितीय स्थान पर रहा है 11 पुरस्कारों के साथ, 11 पदकों के साथ। कुल भारत ने 11 पदक जीते हैं जिसमें से 4 स्वर्ण है, 3 रजत है, 4 कांस्य है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्वर्ण पदक में अलग अलग पुरुष महिलाओं के विजेता रहे हैं, जैसे 48 किलोग्राम में विश्वनाथ सुरेश रहे हैं। वहीं पर यदि बात करी जाए महिलाओं में तो देविका रही हैं, पुरुषों में प्रिंस हंसज रहे हैं, महिलाओं में रवीना रही हैं। रजत पदक में आपकी भावना शर्मा है, ठीक है, आशीष पुरुषों में है, महिलाओं में कीर्ति है। ये सभी अलग अलग जो वेट है उस पे आधार पर सभी ने पदक जीते हैं। भारत ने यदि बात करी जाए तो 11 पदक जीते हैं, द्वितीय स्थान पर रहा है। इसका जो आयोजन किया गया था विश्व युवा चैंपियनशिप का, मुक्केबाजी का, ये किया गया था स्पेन में। 73 देशों के लगभग 600 जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पिछले दिनों में आपसे प्रश्न पूछा था कि दमोह जिला स्थित महोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। आप सभी के रिमी पटेल हो, चाहे आप चंद्र किरण हो, यदवंश हो, सुरेश हो, शमशेर हो, आप सभी के आंसर हमें मिल रहे हैं। आप लोग काफी अच्छा आंसर लिखते हैं और धीरे धीरे इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इनकी संख्या भी बढ़ रही है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर प्रश्न पूछने का मूल ये होता है कि आप एक तरह से एक एक्टिव रहे, साथ ही में हमारे साथ जो करंट अफेयर्स देखते हैं तो आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन इसमें किसी न किसी प्रकार से रहना चाहिए। हमारा मूल उद्देश्य इस प्रश्न को देने का ये रहता है। दूसरा, यदि हम इसमें एक प्रश्न में हमारे 7 से 8 यदि फैक्ट मजबूत हो रहे हैं एक प्रश्न में, तो आप हम हर महीने 250 प्रश्न इसी प्रकार से एक दूसरे की मदद से हम क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हमारे हर माह एक तरह से आप ये कहें कि आपका जो मध्य प्रदेश है वो मजबूत हो जाएगा। 250 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव आपके तैयार हो रहे हैं, साथ में हमारा फैक्ट्स भी फिल्टर होता है। कई बार कुछ जानकारियां हमें ऐसी भी मिल जाती हैं जिन्हें ढूंढने में हमें बहुत समय लगता है, तो आप सभी के माध्यम से हमें वो भी जानकारी मिल जाती है। कई फैक्ट्स तो ऐसे हैं कि जो मुझे आप लोगों के माध्यम से ही उसकी जानकारी मिली है, तो ये हमारा मूल उद्देश्य है। साथ ही में आप सभी से मेरा एक अनुरोध रहेगा कि आप सभी जब अपने मित्रों के कमेंट पढ़ा करें, जिन्हें एग्जाम गुरु जी हार्ड देता है, उनमें विशेष जानकारियां होती हैं, उनके जब पढ़ा करें तो उनको धन्यवाद जरूर करा करें, एक लाइक उनको जरूर किया करें, क्योंकि वो काफी मेहनत करते हैं और एक उस प्रश्न से जुड़ी हुई बहुत ही जो एक सधी हुई जानकारी होती है वो हमारे बीच में लेकर के आते हैं। तो आज का जो आपको आपसे हमने जो प्रश्न पूछा था महोलेश्वर मंदिर को लेकर के, लगभग सभी लोगों ने इसके बारे में जो जो हमें जानना चाहिए वो जानकारी उपलब्ध करा दी थी। लेकिन हम एक इमेज के रूप में भी यहाँ पर देखें तो ये इस कला स्थापत्य कला का मंदिर होते हैं। आप ये मंदिर को आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो शैव कला है उसके आधार पर इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अब क्या है कि जो कर्णदेव थे इनको हिंद का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब कर्णदेव क्या था, इन्होंने जबलपुर के पास में एक कर्णावती नगर भी बसाया था और अमरकंटक में जो मंदिरों का निर्माण कराया था वो भी इनके द्वारा कई मंदिरों के निर्माण कराए गए हैं। अभी भी वहां की जो स्थापत्य शैली है वो आपको ठीक इसी प्रकार की दिखेगी। लेकिन आप जब इधर की तरफ जाएंगे, शहडोल में एक विराटेश्वर मंदिर है, थोड़ा सा खंडार हो गया है, वो जो कलचुरी राजा थे महाराज युवराज के द्वारा निर्माण कराया गया था, उनके जो गोलकी मठ के आचार्य थे उनके लिए उन्होंने बनवाया था। तो विराटेश्वर महादेव जो है सुहागपुर में शहडोल के पास, वो भी बिल्कुल इसी स्थापत्य कला पे उसका निर्माण कराया गया। अब भोपाल में जो 64 योगिनी मंदिर है इसका निर्माण भी कलचुरी शासक जो युवराज प्रथम थे इन्हीं के समय में हुआ था। अब ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ये नोलेश्वर महादेव है, ये दमोह जिला की जो नोटा तहसील है वहां पर आता है। और जो युवराज प्रथम है ये किस धर्म को मानने वाले थे, सर्व धर्म शैव धर्म को मानने वाले थे, कलचुरी नरेश थे। तो कलचुरियों की जो आपको एक कला दिखेगी वो आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर दिखेगी और बहुत ही कला प्रेमी थी। इनका जो पत्थरों पे नक्काशी आपको ज्यादातर मध्य प्रदेश में आपको देखने मिलेगी वो कलचुरियों के द्वारा ही करवाई गई है। तो स्थापत्य कला में बेजोड़ इनके उदाहरण है और खजुराहो इसके लिए हमारा फेमस ही है। करंट अफेयर्स के आज के करंट अफेयर्स आप सभी के लिए एक प्रश्न ये रहा, निम्न में से किस चंदेल वंश के शासक को खजुराहो लेख में परम भट्टारक कहा गया। पहली बात तो ये याद रखना हमें कि चंदेल वंश के शासक हैं, खजुराहो में जो एक शिलालेख मिला है, अभिलेख मिला है, जो भी है,
उसमें इन्हें परम भट्टारक की उपाधि के रूप में चिन्हित किया गया है। वो शासक कौन है जिन्हें परम भट्टारक कहा गया? राहिल है, यशोवर्मन है, हर्ष है या दंग है? राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो वो भी आप 1, 2, 3, 4, 5 लाइनों में दे सकते हैं, जिनकी जानकारी अच्छी होगी एग्जाम बोर्ड जिन्हें हार्ड देगा, ताकि लोगों को राइट आंसर प्लस कुछ इन्फॉर्मेशन उसके साथ, आप ही लोगों का प्रश्न, आप ही लोगों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध हो सके। आपको करंट अफेयर्स कैसा लग रहा है हमें बताना नहीं भूले। यदि पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। आप सभी के कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एग्जाम गुरु जी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए ऑफर चल रहे हैं, फ्री का कोर्स जो कि 4,000 का है 3 वर्षों के सब्सक्रिप्शन के साथ, वो सारी चीजें इसमें उपलब्ध हैं जो आपको परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आवश्यकता होती है, चाहे वह नोट्स हो, चाहे वह ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हो, चाहे वह आपके PDF हो, चाहे वो आपकी वीडियो लेक्चर्स हो। साथ में 3 वर्षों का आपको सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, कोर्स अपडेट होते रहता है, बार बार आपको इसके लिए अलग से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से मेंस कोर्स में भी उपलब्ध है। इसके साथ आपको प्री के नोट्स फ्री मिलेंगे, प्री के कोर्स के साथ, मेंस के कोर्स के साथ आप प्री प्लस मेंस दोनों के नोट्स आपके घर पे पहुंचाए जाएंगे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। ज्यादा जानकारी नीचे दिए गए नंबर पे ले सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, एग्जाम गुरु जी का ऐप उपलब्ध है। हमारी और आपकी मुलाकात फिर करंट अफेयर्स में होती है, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।